सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से लगातार कंगना रनौत जो हैं वो लाइमलाइट में बनी हुई हैं, क्योंकि वो अपनी आवाज रेज कर रही हैं सच के लिए। यहाँ पर कंगना ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है महेश भट्ट क्लैम्प को। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूजा भट्ट हाल ही में काफ़ी सारे उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए जहाँ पर उन्होंने कंगना को स्लैम किया, तमाम चीज़ें कही कि भट्ट क्लैम्प ने सबसे ज़्यादा आउटसाइडर्स को लॉन्च किया है और कंगना को भी हम ही ने, विशेष फिल्म्स ने लॉन्च किया। इस चीज़ पर मैं आपको बता दूं, कंगना रनौत ने रिस्पॉन्ड करते हुए लिखा है कि फ्री में टैलेंटेड लोगों को काम देने का ये जो फेवर है ये बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस करते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है कंगना रनौत ने कि फ्री में उन्होंने गैंगस्टर की थी, ये इससे बड़ा डेफिनेटली कोई यू नो बैक नहीं हो सकता है। कंगना ने कहा कि फ्री में काम कराना टैलेंटेड लोगों से और फिर कहना कि हमने आपको लॉन्च किया है, फेवर किया है, इज़ अगेन आई थिंक अ बुलशिट। और उसके साथ साथ कंगना ने और भी तमाम चीज़ें कहीं। उन्होंने कहा कि क्यों आपके फादर जो हैं वो इतने जल्दी एंड प्रिडिक्ट कर लेते हैं, 4 साल पहले मेरा भी एंड प्रिडिक्ट किया गया था, मुझे कहा गया था कि आपका ट्रैजिक एंड बहुत नज़दीक है, लेकिन 4 साल हो चुके हैं अभी तक कोई ट्रैजिक एंड आया नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्यों आपके फादर को इतनी दिलचस्पी थी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिलेशनशिप में, क्या उनको ज़रूरत थी इतना ज़्यादा उन दोनों के रिलेशनशिप में पढ़ने की। इस तरह से तमाम बातें जो हैं वो उन्होंने कह दी हैं। और उन्होंने कहा कि कंगना ने सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि पोकिरी भी उस वक्त उन्होंने ऑडिशन किया था उसके लिए, और वो फिल्म आज तक की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक है। सो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपने कंगना रनौत को बड़ा ब्रेक दिया है और आपने कंगना रनौत को सक्सेसफुल बनाया है तो ये आपकी गलतफहमी है, पानी को उसकी जगह मिल ही जाती है। इस तरीके से तमाम बातें जो है कंगना रनौत की टीम ने कर दी हैं, तेज तर्रार बातें, सारी बातें। और आई थिंक सबसे बड़ा रिवोल्यूशन यही है कि कंगना वॉज नॉट पेड फॉर गैंगस्टर, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है एज अ व्यूअर, ये आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। और उसके साथ साथ कंगना ने सवाल भी बहुत खड़े किए हैं भट्ट साहब पर, महेश भट्ट पर, कि आप क्यों हर किसी का ट्रैजिक एंड जो है वो इतनी जल्दी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, इस तरह की तमाम बातें। सो आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं या आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में।